हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पे एक और रिलीफ दी गई है। पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पे अलाउ किया गया था कि अगर आप जो पीएफ के अंदर आपका बैलेंस खड़ा है उसका 75% या फिर आपके 3 मंथ्स के वेजेस के बराबर, उन दोनों में से कोई भी अमाउंट लोअर होगा उस अमाउंट को आप पीएफ के अंदर से विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पीएफ के अंडर यहाँ पे रूल थे कि अगर आप 5 साल से पहले आप विड्रॉ करते हैं तो वो आपका विड्रॉल अमाउंट टैक्सेबल था और आपको वहाँ पे आपका टीडीएस भी कटता था अगर आपने 15 जी और 15H फॉर्म को यहाँ पे फर्निश नहीं किया गया था। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पे बहुत बड़ी रिलीफ दी है कि अगर आप पीएफ से विड्रॉल करते हैं और आप वहाँ पे कोविड-19 ये जो पैनडेमिक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप जितना भी आपने पीएफ का विड्रॉल किया है, चाहे वो आपने 5 साल से पहले किया है या 5 साल से बाद किया है, वो फुली एग्जेम्प्ट रहेगा। सो यहाँ पर बहुत बड़ी रिलीफ दी गई है। सो जो इनकम टैक्स के अंदर अगर आप 5 साल से पहले विड्रॉ करते थे तो आपको वो इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम होती थी और आपको आपका टीडीएस कटता था, और वो 5 साल से पहले जो विड्रॉल अलाउ था वो स्पेसिफिक सरकमस्टांसिस के अंदर ही अलाउड था कि आपके जैसे कि आपका आपके एम्प्लॉयर का बिज़नेस क्लोज हो गया या कोई सरकमस्टांसिस ऐसे आ गए जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं या फिर कोई अनदर एमरजेंसी सिचुएशन आ गई है तो उसी केस में आप 5 साल से पहले विड्रॉ कर सकते थे। तो यहाँ पर बहुत बड़ी रिलीफ दी गई है कि जो भी आप विड्रॉल करेंगे वो आपके हाथ में पूरा यूजेबल रहेगा, आपको कोई भी उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो अनलाइक विड्रॉल मेड अर्लियर विच लेविड टैक्स, कोविड-19 विड्रॉल्स विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन। सेंटर हैज़ मेड प्रोविजंस दैट कैन अलाउ अप टू 75% ऑफ द टोटल ईपीएफ बैलेंस विड्रॉल फॉर द एम्प्लॉयज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।